वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग अक्टूबर मंथ के थर्ड वीक को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। तो इसमें हम बढ़ते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। सबसे पहला आर्टिकल है डिफेंस एक्सपो को लेकर के। देखिए, डिफेंस एक्सपो बहुत ज्यादा अभी न्यूज में था क्योंकि अभी ही बिल्कुल हाल फिलहाल में इसको जो रक्षा मंत्रालय हमारा, उन्होंने इसको आयोजित करवाया है। अब हमारे लिए सवाल क्या बनेगा इस पर, हमारे लिए सवाल ये बनेगा कि ये जो पूरा आयोजन हुआ है ये कौन सी जगह पर हुआ है। तो ये लिख लीजिए, ये कौन सी जगह पर हुआ है आयोजन, गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, ये गुजरात इसका वेन्यू था, जगह थी जहां पे ये हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो कि हमें क्या बताता है कि हमें आत्मनिर्भर भारत अगर बनाना है तो उसके लिए हमें जो रक्षा है उसमें, उसके क्षेत्र में हमें किस तरीके से प्रेरणा आगे बढ़नी है, तो उससे जुड़ा हुआ है ये। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट और क्या चीज है, देखो इस बार जो है वो चौथी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची निकाली गई है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि पहली बार स्वदेशीकरण सूची आई है, ये पहले भी निकाली जा चुकी है। स्वदेशीकरण सूची का ये मतलब है कि जो हमारी रक्षा मंत्रालय है वो कुछ ऐसे आइटम है जिनको बाहर से मंगवाना बंद कर देगी। वो कौन निर्माण करेंगे, वो सिर्फ जो हमारे घरेलू निर्माता है सिर्फ वही उसका निर्माण करेंगे और वही से खरीदा जाएगा, जिससे हम किसको प्रमोट कर रहे हैं, मेक इन इंडिया को। और ये जो सूची निकाली है ये किसके तहत निकाली गई है, एक एक्ट आया था रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में जो पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके तहत ये स्वदेशीकरण सूची जो है मोदी जी ने यहाँ पर निकाली है। बेसिकली इस पूरे 12वें डिफेंस एक्सपो का उद्देश्य ही यही था कि जो हमारी घरेलू रक्षा उद्योग है उसकी जो हम क्षमता है उसको हम प्रदर्शन करें, साथ ही साथ जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर दी वर्ल्ड, ये एक टर्म पॉपुलर हुई है यहाँ पर, ये आपको पता होनी चाहिए, मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड, बनाएंगे इंडिया में लेकिन किसके लिए, संसार के लिए। तो इसको जो है एक तरीके से शक्ति प्रदान करने के लिए इसकी थीम भी रखी गई है, गौरव का पथ, पाथ टू प्राइड। ठीक है, और इसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ भारतीय कंपनियों ने ही जो है आई थी, इसमें भारतीय कंपनियां, विदेशी मूल के जो निर्माता है, सहायक कंपनियां है, बहुत सारी यहाँ पर जो है अलग अलग और भी आई थी, सिर्फ अकेली भारत की ही कंपनियां यहाँ पर नहीं आई थी, समझ रहे हो सब लोगों को। अब इसी के साथ साथ इस पूरे के अंदर एक चीज का आयोजन और किया गया है, जिसे हम कहते हैं भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता। इसी पूरे के अंदर एक चीज और भी इसी के साथ की गई है, भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता, भारत अफ्रीका का जो है सिक्योरिटी डायलॉग, ये सेकंड है जो कि कंडक्ट किया गया, सेम गांधीनगर गुजरात में ही इसको किया गया, जिसके अंदर जो है 53 से ज्यादा अफ्रीकी देशों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ इसके अंदर हिंद महासागर प्लस इसका भी आयोजन इसी के साथ किया गया था, जिसको हम कहते हैं IOR, इंडियन ओशन रीजन, उसको भी इसी के साथ ही यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो पूरा आपको ये याद रखना है डिफेंस एक्सपो जो है इस बार हमारे लिए किन किन फैक्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आने का भी चांस है कि क्वेश्चन से पूछा जाएगा, जो है अभी रिसेंटली ग्रीन सिटी अवार्ड यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर जो है वो प्रोवाइड किया गया है, ग्रीन सिटी अवार्ड। ठीक है, और इसमें भारत का एकमात्र शहर हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है उसको यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ग्रीन सिटी अवार्ड, ग्रीन सिटी अवार्ड का मतलब क्या है, ऐसी सिटी जो कि ग्रीन है। ठीक है, क्यों है और उसको क्यों दिया गया, उसके पीछे एक रीजन भी है, ऐसा नहीं है कि उसको दिया गया तो उसके कुछ मतलब रीजन नहीं है, रीजन है उसके पीछे कि उन्होंने यहाँ पर जो है, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पर इन्होंने एक कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम है वृक्षारोपण कार्यक्रम। वो वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत तेलंगाना हैदराबाद को ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, हैदराबाद में और जैसे पेरिस हो गया, बोगाटा, मेक्सिको, इन सबको पीछे छोड़ते हुए भी ये अवार्ड यहाँ पर लिया है। और इसी कैटेगरी के अंदर 6 और कैटेगरीज थी। ठीक है, और उसमें से भी एक कैटेगरी है जिसके लिए जो है हैदराबाद को अवार्ड मिला है, दैट इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स और एक लिविंग बीइंग फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। ये कैटेगरी एक्चुअली 6 कैटेगरी थी, उसमें से 2 कैटेगरी के लिए हैदराबाद को और अवार्ड मिला है। सो आपके लिए क्वेश्चन या तो सीधा पूछ सकते हैं एग्जाम में कि वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड किसको दिया गया है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ का अवार्ड किसको दिया गया है, तो दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और इसी पूरे में जब ये बनाया गया था तो जो हैदराबाद का एक
इस तरीके का एक प्रारूप तैयार हुआ था जिसका नाम है आउटर रिंग रोड, उसको भी पेश किया गया था। तो क्वेश्चन आता है आउटर रिंग रोड क्या चीज है, ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। इसी को क्या नाम से जाना जा रहा है? ग्रीन नेकलेस ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा 158 किलोमीटर का 8 लेन्स में डिवाइडेड एक पूरा रास्ता है, जिसमें क्या होगा कि जो भी ट्रैफिक होता है उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये चीज की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज यार न्यूज में था इसलिए मैंने सोचा बता दूं, ग्रीन नेकलेस ऑफ स्टेट ऑफ है तेलंगाना का। तो ये एक बार इससे इस बार बिल्कुल बिल्कुल चांस बन जाता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये क्या है, क्या इसका रोल है, क्या जीता है इसमें, ठीक है। तो ये इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, काफी ज्यादा न्यूज में रही है एक्सरसाइज, जिसका नाम है इब समर, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रखना, इब समर एक्सरसाइज अभ्यास, ठीक है। ये अभ्यास आप लोगों ने सुने होंगे कि बहुत कंडक्ट किए जाते हैं। तो हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है कि अभ्यास कहाँ पर हुए हैं, है ना। हमसे सीधा यही पूछेगा कि ये अगर अभ्यास हुआ है तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आई थी और ये कहाँ पर हुआ है। देखिए भाई, जो इस बार का इप समर है, पहले तो ये बता दो इप समर क्या चीज है। इप समर जो है वो यहाँ पर आई से इंडिया है, बी से ब्राजील है और एस से साउथ अफ्रीका है। इन तीनों कंट्रीज ने मिल करके MAR का यहाँ पर मतलब है मैरीटाइम, मतलब ओशन से जुड़ा हुआ संस्करण यहाँ पर किया गया। कहाँ पे किया ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पोर्ट एलिजाबेथ भी कहते हैं उसको, पोर्ट गिबाकरा, जो कि साउथ अफ्रीका में किया गया है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय है, तीन कंट्रीज इसके अंदर शामिल है, ताकि एक दूसरे को हम जो है अपनी सामूहिक प्रशिक्षण दे सके, आपसी समझ बताएं, जो भी हम दिखाना चाहते हैं एक दूसरे की कंट्रीज को वो यहाँ पर हम शो करें। अब ये अभ्यास यहाँ पर ऐसा नहीं कि पहली बार हुई है, पहले भी अभ्यास कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार जो ये हुई है इसमें हमारी कौन सी INS ने पार्टिसिपेट किया है, वो है INS तरकश। तरकश एक INS है जिसने पार्टिसिपेट किया है। यहां से आपका सवाल बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि इस बार INS तरकश जो है हमारी, उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। भारतीय नौसेना की गाइडेड मिसाइल है, युद्ध पोत है हमारा, जिसने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। सो एक तो ये आपसे पूछा जाएगा, मतलब चांस है हाई ज्यादा कि इसे क्वेश्चन बन सकता है। सो INS तरकश जो है ये किस तरीके की मिसाइल है या फिर किस तरीके की शिप है, ठीक है। ये जो है तलवार श्रेणी की जो है वो एक शिप है, जो कि एक युद्ध पोत है। और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और कोई INS हमारी पास इस तरीके की नहीं है। हमारे पास INS तलवार, INS त्रिशूल, INS ताबर, INS तेग, INS तरकश, INS त्रिकंद, इस तरीके की हमारे पास और भी INS हमारी इंडियन नेवी में आज भी प्रेजेंट है। तो अकेले यही नहीं है, और भी हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। सो आपको ये पूरा याद रखना है, आप उद्देश्य यहाँ पर पढ़ सकते हो पूरे अभ्यास के उद्देश्य। अभ्यास के उद्देश्य नहीं पूछे जाते हैं, अभ्यास से जुड़े हुए फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको उद्देश्य तो आपको पता ही, आप हर जगह पर पढ़ते आ रहे हैं इसको, तो राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इसका नाम स्वदेश दर्शन 2.0 कर दिया गया है। रिसेंटली ही जो है स्वदेश दर्शन जो स्कीम बहुत ज्यादा पहले भी न्यूज में रही है, ठीक है, अब ये स्वदेश दर्शन 2.0 के नाम से आई है, ठीक है। अब ये क्या चीज है? ये जनवरी 2023 से लागू कर दी जाएगी। ये एक नई भारत की एक नई पर्यटन और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण से एक नई शुरुआत यहाँ पे की गई है। पहले मैं आपको इसका पुराना बैकग्राउंड बता देती हूँ कि ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है ये पहले क्या थी। देखिए भाई, इससे पहले जो स्वदेश दर्शन स्कीम है वो ये हुआ करती थी, जो कि थीम आधारित स्वदेश दर्शन स्कीम थी, ठीक है। अब क्या था उसमें, मैं बता देती हूँ कि उसमें एक्चुअली में था क्या क्या था भाई। इस पूरी पुरानी वाली स्कीम में जो है थीम आधारित पर्यटन सर्किट बनाए गए थे, जिसमें 15 सर्किट यहाँ पर बनाए गए थे। कितने? 15। 15 सर्किट कौन कौन से थे? जैसे कि बौद्ध सर्किट, ठीक है, मैं नाम भी बता देती हूँ आपको, सुना जरूर होगा आपने, काफी न्यूज में रही है ये, बौद्ध सर्किट, ठीक है, हेरिटेज सर्किट, नॉर्थ ईस्ट सर्किट, सूफी सर्किट, जनजातीय सर्किट, ट्राइबल सर्किट, सूफी, बौद्ध धर्म को प्रमोट करते हुए, रूरल सर्किट, या फिर आप हिंदी में कह लीजिए ग्रामीण सर्किट। ऐसे करके जो है 15 सर्किट तैयार किए गए थे, जो कि पूरी तरीके से केंद्र ने ही यहाँ पर जो है वो पूरा पैसा दिया था यहाँ पर। और फिर यहाँ पे जो है बेसिकली एक रोजगार को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को हम किस तरीके से सहारा बना सकते हैं वो इसके तहत यहाँ पर हमें देखने को मिला था। अब यहाँ पर क्या किया गया है, तो ये स्कीम तो बहुत अच्छी थी, हो गई यहाँ पर, लेकिन अब जो है एक नई स्कीम आई है, इसी को थोड़ा सा चेंज करा है। और क्या किया है कि स्कीम में जो यहाँ पर
नाम उसका बदल दिया गया है, मतलब नाम में भी 2.0 ऐड करा है, जिसमें क्या होगा कि 15 राज्य यहाँ पे चूज किए गए हैं, जिसमें से हर एक राज्य में से 2 से 3 गंतव्य ऐसे स्थानों को चूज किया गया है जहां पर टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है, जिसके हम क्या प्रमोट करेंगे, वोकल फॉर लोकल। लोकल के लिए हम वोकल होंगे यहाँ पर, आत्मनिर्भर भारत को यहाँ पर हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्थायी जिम्मेदार पर्यटक स्थलों को चूज किया जाएगा जो कि पूरी तरीके से इस मिशन को हेल्प करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई 15 सिलेक्ट कर लिए, उन 15 के तहत ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं, इस वाले मिशन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वाले मिशन को और ज्यादा बढ़िया बढ़ावा दिया गया है और ऐसी परियोजनाएं तैयार की गई हैं जिससे क्या होगा कि मतलब हर तरीके की हर एक आस्पेक्ट को कवर किया जाएगा, ठीक है, एक चीज नहीं, हर एक आस्पेक्ट को यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, पहले और अभी, पहले में और अभी में चेंज करा गया है, और अभी फिलहाल यहाँ पर कुछ स्थानों की भी पहचान कर ली गई, जैसे उत्तर प्रदेश में झांसी, प्रयागराज, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, चित्रकूट, खजुराहो के मंदिर, और महाराष्ट्र में अजंता एलोरा केव। सुना होगा आप लोगों ने अजंता एलोरा केव, ये हमारे भारत की सबसे पहली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से भी एक है, ठीक है। तो हर एक को यहाँ पर चूज किया गया है, स्पेसिफिकली नहीं किया गया किसी को भी, लेकिन यह है कि इसके अंदर नए तरीके से एक नई पहल की गई है, घरेलू पर्यटन भी बढ़ावा दिया जाएगा जो कि मेरे हिसाब से और ज्यादा बेहतरीन है, जिसमें और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम रोजगार को बढ़ा सकते हैं टूरिज्म के सहायता से। सबको समझ में आ गया? इसको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। नेक्स्ट, ये काफी सिंपल सा एक आर्टिकल है। हमारे भारत में रिसेंटली, आपको याद रखना है सीधा, केंद्रीय रेल मंत्री ने एल्यूमिनियम फ्री ट्रेक जो है यहाँ पर एक भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन ओडिशा में यहाँ पर इसको उद्घाटन किया है, जिसका नाम रखा है बोर हैंडलिज्म 1। कुछ नहीं है, आपको ये सीधा फैक्ट याद रखना है, आपके एमसीक्यू वाले एग्जाम में सीधा इससे क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ी चीज नहीं आएगी, सीधा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई, आप जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप मेंस को के मद्देनजर बात करें, तो मेंस के मद्देनजर से अगर टूरिज्म पे कोई सवाल आता है लिखने के लिए डिस्क्रिप्टिव उसमें, तो आपको ये स्वदेश दर्शन स्कीम टूरिज्म से जुड़ा हुआ, इसको आप अपने एग्जाम्पल में बता सकते हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा एमसीक्यू के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इफ समर एक्सरसाइज भी एमसीक्यू वाले जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना उनके रिस्पेक्ट में मैंने बताए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एमपीआई के फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। एमपीआई काफी न्यूज में रहा, ठीक है, मैं पूरा समझा देती हूँ कि ये है क्या एक्चुअली में। देखो भाई, ये अभी रिसेंटली एमपीआई जो यहाँ पर निकाला गया है, ठीक है, ये इंडिया की ये रैंकिंग नहीं देता है कोई भी, ये कोई तरीके की हमें रैंकिंग प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन ये एक इंडेक्स है जो कि ये बताता है कि पूरा जो वर्ल्ड है, 100 कंट्रीज का इंडेक्स इन्होंने लिया है, तो उनमें ये बताते हैं कि भाई कहाँ पर बहुआयामी गरीबी है, मतलब इनके हिसाब से जो गरीबी है ना वो एक पहलू पे नहीं आती है। गरीबी सिर्फ ये नहीं है कि रोटी कपड़ा मकान की सिचुएशन है, नहीं फुलफिल हो पा रही है तो वो पर्सन गरीब हो गया, नहीं, इनके हिसाब से जो गरीबी है वो इन मूल्यांकनों पर जांची जाती है। आपके सामने 10 इंडिकेटर्स हैं, इनके हिसाब से आप गरीबी को जांचते हैं, जैसे हेल्थ, हेल्थ में क्या, न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में भी, हम शिक्षा में भी कितने कितने सालों की स्कूलिंग करी है, और स्कूल में सिर्फ एडमिशन लेके छोड़ दे या फिर स्कूल सच में अटेंड भी करा है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ईयर्स ऑफ अटेंडेंस, लिविंग स्टैंडर्ड में क्या पर्सन, फ्यूल, सैनिटेशन, साफ सफाई, जल, बिजली, फ्लोर, असेट कितने हैं उसके पास, टीवी, फ्रिज, एसी, स्कूटी, बाइक, कुछ भी, इस तरीके की चीजें, हर तरीके से पहलू को देखा गया। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो गरीबी है वो सिर्फ तीन ही स्तंभ पर जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। गरीबी के इन्होंने अलग अलग सूचकांक यहाँ पर दिए हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने यहाँ पे निकाला है। तो कौन निकालता है इसको, इसको ऑक्सफर्ड गरीबी और मानव विकास जो है, यूएनडीपी, ये यहाँ पर इसको पब्लिश करते हैं, ठीक है। देखो, यूएनडीपी एक और इंडेक्स पब्लिश करता है, जो यूएनडीपी है वो यहाँ पर HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी पब्लिश करता है, ठीक है, याद रखिएगा, यूएनडीपी है करता है। साथ ही साथ एक और आता है GHI, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये भी यहाँ पर यूएनडीपी पब्लिश, सॉरी यूएनडीपी नहीं करता, ये एक आयरलैंड की फर्म है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वो यहाँ पे पब्लिश करती है, ठीक है। तो ये जरा फैक्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इनको जरा याद रखिएगा, ठीक है भाई। अभी 2010 में पहली बार हुआ था, और अभी के हिसाब से इनका जो डेटा है वो क्या कह रहा है कि 2 बिलियन लोग जो है बहुआयामी गरीबी के दायरे में आते हैं, ठीक है। और महामारी के बाद जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगी गरीबी, और
यहाँ पर राज्यों के हिसाब से इन्होंने कोई रैंकिंग नहीं दी है, ठीक है, रैंकिंग बिल्कुल नहीं दी है। इन्होंने यही बोला है कि बच्चों में भी बहुत ज्यादा गरीबी देखने को मिल रही है, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बिहार, झारखंड, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन सबको इन्होंने कभी जो है वो गरीब राज्य बताया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि क्या क्या इन्होंने अपनी पूरी एक लिस्टिंग बताई है, ठीक है, कौन निकालता है, ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपके लिए ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पॉवर्टी के ऊपर किसी भी तरीके का, गरीबी के ऊपर आपसे किसी भी तरीके का मेंस में सवाल पूछा जाता है, तो आप इसका एक एग्जाम्पल जरूर लेकर के अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है भाई। और आपके जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए जो ये घटक है, जो ये अपने घटक बताते हैं, आयाम बताते हैं, संकेतक बताते हैं, ये संकेतक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने भी पूछा था, ठीक है, 2014 या फिर 15 में ऐसा एक सवाल आया था जब पूछा गया था कि एमपीआई जो है उनके इंडिकेटर्स और आयाम जो है उनके वो कौन से हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। रिसेंटली आपने सुना होगा जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ को जो है हमारे भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया है, जो कि नवंबर में अपनी शपथ ग्रहण करेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बन जाएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा कि भाई हमारे जो सीजेआई होते हैं इनको कौन अपॉइंट करता है, इनसे जुड़ा हुआ आर्टिकल, आर्टिकल 124 हमारे भारतीय संविधान का जो है वो आपको याद रखना है। तो ऐसे सवाल आपसे आप पूछे जाएंगे, मतलब आपसे सीधा ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे कोई सीधा नहीं पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन बने हैं, इतना इजी नहीं पूछेंगे आपसे। ये पूछेंगे इनके नियुक्ति के बारे में, इनके नियुक्ति के ऊपर हमसे सवाल किए जाते हैं, जो सीजेआई है इनकी नियुक्ति कौन करता है, जो कैसे कैसे यहाँ पर किया जाता है, राष्ट्रपति करते हैं, या मतलब जो भी इनके सवाल होते हैं ना उन पे सवाल किए जाते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, ये काफी इजी सा है। शेहान करुणतालिका ने यहाँ पर जो है बुकर प्राइज, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा बुक से जुड़ा हुआ प्राइज है, वो यहाँ पे जीता है। आपसे सवाल या तो नाम पे पूछा जा सकता है या उनके नॉवल का नाम, ठीक है। तो नॉवल का नाम याद रखिएगा, द सेवन मेंस, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है, सीधा सवाल आएगा इस पर, कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सीधा सवाल आएगा इस पर। अगला वर्ल्ड हेल्थ समिट, सीधा सवाल आएगा, वर्ल्ड हेल्थ समिट इस बार का कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है, विश्व स्वास्थ्य शिखर जो है सम्मेलन इस बार यहाँ पे कहाँ आयोजित किया गया, तो ये बर्लिन जर्मनी में आयोजित किया गया। इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ के जाना, सीधी इंफॉर्मेशन है हमारे पास और सीधा याद भी रखना है, कुछ इसमें आगे पीछे का नहीं पढ़ना है, ठीक है। जिनमें आगे पीछे का पढ़ना होता है मैं आपको ऑलरेडी वैसे ही बता देती हूँ कि भाई ये आपको आगे पीछे की इंफॉर्मेशन जाननी है इस वाले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले, ये अभी प्रस्थान एक एक्सरसाइज, देखिए ये एक्सरसाइज साल में 2 बार होती है, तो अभी रिसेंटली ये एक्सरसाइज की गई है, प्रस्थान एक्सरसाइज, प्रस्थान अभ्यास यहाँ पर, जो कि हमारी रिसेंटली ही की गई है, नौसेना ने यहाँ पर जो है किया है, कहाँ पर किया है ये पूछा जा सकता है, काकीनाडा, ठीक है। इसमें और नहीं याद रखना, ये साल में 2 बार होती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हर 6 महीने में की जाती है, जिसमें क्या करना होता है, जितने भी हमारे ऑफशोर, जो हमारे जितने भी अपतटीय विकास क्षेत्र हैं, उनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, वो उसमें किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पर ONGC हो गया, रिलायंस हो गया, वेदांता हो गए, इन सब ने भी यहाँ पर भागीदारी दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर जो है बेसिकली जो है घुसपैठ अगर हो जाती है, आतंकवादी घुसपैठ हो जाती है, या कोई बम विस्फोटक हो जाता है, कोई खोज है, कोई बचाव करना है, कोई निकासी करनी है, कोई तेल का रिसाव हो गया है, तो कैसे उनसे बचा जाएगा, इसके ऊपर पूरा आधारित था, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी आपका सीधा ही पूछा जाएगा, परम कम करमपुरा कमरूपा, परम कमरूपा जो है ये एक तरीके से एक सुपर कंप्यूटर निकल करके आया है भारत में, आपसे ये सवाल किया जाएगा, ये परम कमरूपा क्या है, पहले तो ये पूछेंगे, ठीक है, सीधा ये परम कमरूपा क्या है। दूसरा आपसे क्या पूछेंगे कि ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो भैया IIT गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। अब परम तो आपने नाम सुना होगा, पहले भी बहुत न्यूज में रहा सुपर कंप्यूटर, ये कमरूप क्या चीज है, ये कमरूप क्या है यहाँ पर, ये कमरूप जो है आसाम की एक डायनेस्टी है कमरूप, जिसके नाम पर यह उद्घाटन जो है यहाँ पर किया गया है, ठीक है। हमारी जो अभी रिसेंटली ही द्रौपदी मुर्मू हमारी जो राष्ट्रपति बनी है, ये अभी जो है आसाम की 2 दिवसीय यात्रा के दौरे पर थी, तो यहाँ पर पहली बार वो आसाम में गई थी, यहाँ पर जाकर के उन्होंने ये चीज करी यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इन्होंने यहाँ पे जाकर के IIT गुवाहाटी में एक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया, जिसका नाम है समीर, ठीक है। तो ये भी उन्होंने करा है, ये खैर इतना नहीं पूछा जाएगा, पर आपसे ये परम कमपुरा के बारे में पूछा जा सकता है। परम कमरूपा ने कौन से सुपर कंप्यूटर को रिप्लेस करा है, परम ईशान, ठीक है, इससे पहले परम ईशान था, अब परम ईशान जो है उसकी जगह पे कौन आ चुका है, परम कमरूप, ठीक है। सीधा सीधा याद रखना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सीधा यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखना।
नेक्स्ट, रिसेंटली जो जापान की एम्बेसी है उन्होंने एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है निहोनशु, ठीक है। निहोनशु करके एक क्वेश्चन अगर आता है कि निहोनशु क्या है, तो देखिए आप क्या होगा, निहोनशु हमने क्या लगेगा, यार ये तो कोई जापान का आइलैंड लग रहा है ना, हमें पता है ना, सुना हुआ है हमें निहोनशु, ठीक है। यूपीएससी भी कई बार ऐसे सवाल कर चुकी है कि निहोनशु, होकाइडो, होनशु, क्यूशु, ये तो जापान के आइलैंड का नाम जैसा लग रहा है। तो ये पूछती है अगर एग्जाम में निहोनशु क्या है, तो हमारा दिमाग जाएगा यार आइलैंड का, ये जापान का आइलैंड ही है कोई शायद, पर एक्चुअली में ये क्या है, निहोनशु जापान की एक जो है एक शेक है, एक तरीके का जापान का एक तरीके से ये एक जो है एक पेय पदार्थ है जो कि चावल से बनाया जाता है, चावल के किण्वन से बनाया जाता है, विशेष तरीके का जो कि जापान के लोग अपने फेस्टिवल्स में, मैरिजेस में बहुत ज्यादा इसको पीते हैं, इसका सेवन करते हैं, ठीक है। तो ये वहां से जीआई टैग देने की मांग, तो ये निहोनशु आपका न्यूज में आ गया जिसको आपको पता होना चाहिए, एक शेक टाइप है ये, ठीक है। नेक्स्ट, वाइजर प्रोग्राम, आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है कि वाइजर प्रोग्राम किससे जुड़ा हुआ है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, फीमेल से जुड़ा हुआ, डब्ल्यू यहाँ पर वुमेन है, मतलब कि विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान में महिलाओं की भागीदारी, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, ठीक है। अभी रिसेंटली इसके लिए अवार्ड दिए गए हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया क्योंकि न्यूज में आ गई ये चीज, ठीक है। आगे, गंगा रिवर पर जो बेगूसराय है वहां पर एक ब्रिज बनाई जा रही है, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा कि बेगूसराय पर जो ब्रिज बनाई गई है उसका नाम क्या है, ठीक है। बिहार के बेगूसराय में ये ब्रिज है, कहाँ से कहाँ के बीच में है लिख लीजिए सब लोग इस चीज को, मटिहानी से लेकर के सांभू तक एक ब्रिज यहाँ पर बनाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो जो है, इसरो के आपने लॉन्च व्हीकल सुने होंगे, पीएसएलवी, जीएसएलवी। अब पीएसएलवी को रिप्लेस करके इसरो एक नया नाम लेके आया जिसका नाम है एनजीएलवी, जिसका नाम है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान, ठीक है। एक यान जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर एक नया नाम के साथ यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद ये कुछ टर्म्स है जो न्यूज में चल रही थी, जैसे कि यूएनएससी की 1267 वाली सूची, ठीक है। उसके अलावा ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, ये बड़ा न्यूज में था क्योंकि आजकल ये आपको पता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, तो ये ट्रिपल प्लानिटरी क्या चीज है, तीन चीजों का योगदान जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्लैनेट है वो बहुत ही ज्यादा क्राइसिस झेल रहा है, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता, ठीक है, जैव विविधता का नुकसान, तो ये भी एक याद रखिएगा। नेक्स्ट, अभी ये रिसेंटली टर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये बड़ा ज्यादा अभी आ गया है न्यूज में, ये एक नया कॉन्सेप्ट निकल करके आया है, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ठीक है, जीवन पर्यावरण के लिए जीवन शैली, ये वैसे तो पहले इस्तेमाल किया गया था लेकिन न्यूज में ये अभी आ गया है कि भाई हमें, ठीक है, हमें जो है इस तरीके से अपनी जीवन शैली को बनाना है जिसके तहत हम लोग जो है, मतलब आप पर्यावरण को ही अपनी डेली लाइफ के अंदर ऐसे आप इतना अच्छे से इस्तेमाल करें कि आपको एक जीवन का एक पार्ट बन जाए आपका, ठीक है, समझे ना बात को। तो आपको जो है पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ानी है ताकि आप जो भी खपत कर रहे हैं चीजों की वो बहुत ही विवेक तरीके से करें, व्यर्थ तरीके से ना करें, सुचारित रूप से करें, सावधानी के साथ करें, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं यहाँ पर, जो तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ से निकल के आया है, ठीक है। अब इसी के साथ में एक टर्म और निकल के आई थी P3, अब P3 भी पूछा जा सकता है किससे जुड़ी हुई है, ये है प्रो प्लैनेट पीपल, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको यही कहते हैं, जो भी ये कहता है कि भाई पर्यावरण के अनुकूल आपने जीवन शैली को अपनाना है और उसी को बढ़ावा देना है आपने, तो एक मिशन है, एक पारिस्थितिक तंत्र बनाता है जो ये प्रयास करता है कि भाई पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार आपने करना है ताकि पर्यावरण जो है वो बहुत ज्यादा स्वीकृत हो सके, सुदृढ़ हो सके। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, लाइफ से जुड़ी। चलिए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अभी रिसेंटली जो है काफी ज्यादा तिलहन मिशन जो है वो न्यूज में रहा है, तो एक क्वेश्चन मैंने डाला है, वैसे आप लोगों को पता ही होगा तिलहन मिशन, ठीक है। तिलहन मिशन किससे जुड़ा हुआ है, तिलहन से जुड़ा हुआ है, ऑयल सीड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये न्यूज पहले की है पर रिसेंटली ही इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आंसर देंगे, आई थिंक ये मैंने पहले भी आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं, सो आप लोगों को आते होंगे जरूर ये वाले प्रश्न, एक बार इनको जरा सब लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला, फर्स्ट सेंचुरी एंडेंजर्ड स्लेंडर लॉरिस के लिए, एंडेंजर्ड क्या है, ये एंडेंजर्ड IUCN का स्टेटस है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का स्टेटस दिया है। कहाँ पे बनाया गया है, तमिलनाडु में इसको बनाया गया है, तमिलनाडु में ऑलरेडी जो है एक
डगंग्स के लिए भी ऑलरेडी बनाया जा चुका है। तो एक ये वाला पूरा फैक्ट आपको याद रखना ही मैंने बताया हुआ है। उसके बाद ये अ मैन हु न्यू इन्फिनिटी किसकी किसकी बुक है, ये मूवी है, दैट इज एस रामानुजन। क्यों दिया मैंने ये क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली जो है शास्त्र रामानुजन करके एक प्राइज यहाँ पे दिया गया है, शास्त्र रामानुजन प्राइज। तो ये भी आपको याद रखना है, रामानुजन प्राइज दिया गया है, इसलिए मैंने ये वाला सवाल दिया था। और ये क्वेश्चन एक्चुअली मैं यूपीएससी पहले पूछ चुकी। अगला प्रश्न, अभी रिसेंटली यूएनएचसीआर का नानसेन रेफ्यूजी शरणार्थियों के लिए अवार्ड यहाँ पर किसको दिया गया है। शी इज अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, वैसे मैंने अभी आंसर ही बोल दिया शी करके, तो इन चारों में शी एक ही है, दैट इज एंजेला मार्कल। एंजेला मार्कल को ये प्राइज दिया गया है, आपको ये याद रखना है, उनको ये अवार्ड जो दिया गया है रेफ्यूजी का प्राइज, ताकि क्योंकि उन्होंने सीरियाज में जो है ये सब किया था, क्योंकि ये पहले भी जर्मनी की चांसलर रह चुकी हैं, तो उनको ये अवार्ड यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लोग इस प्रश्न को एक बार पढ़िए, और 1 मिनट में आपको दे रही हूँ उसका उत्तर अपने आप मन में सोचने के लिए, फिर मैं आपको ये भी खुद से भी करवाऊंगी अपनी। आई होप सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। सबसे पहली स्टेटमेंट देखो, भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें कोई भी आप पुरानी जो रिटायर्ड जज है उनको आप बुला सकते हैं, ठीक है, बैठने के लिए, कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है या नहीं। लेकिन ये किसकी परमिशन से होगा, ये जो उस समय के सीजेआई है, मुख्य न्यायाधीश, और हमारे राष्ट्रपति की परमिशन से। कैसा किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि रिसेंटली हमारे सीजेआई बने हैं, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा, रिसेंटली ही सीजेआई को यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में जो एक उच्च न्यायालय होता है उसके पास ये होता है कि भाई जो खुद का निर्णय लिया है उसकी समीक्षा करे, राइट, जुडिशियल रिव्यू करने की पावर होती है, अपनी जजमेंट को रिवर्स करने की भी पावर होती है। तो क्या ये सेम पावर उच्च न्यायालय के पास भी होती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के पास है सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो क्या ये सेम पावर हाईकोर्ट के पास भी होती है या नहीं। ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है, समझिए, जिसको समझ में आएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, तो क्या ये होती है या नहीं, यस ये भी होती है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इसका जो आंसर है वो 1 एंड 2 दोनों है, दोनों ही सही कथन है ये वाले। ठीक है, तो आपसे इस तरीके के सवाल, देखो जरूरी नहीं है कि करंट अफेयर से आपका ये सवाल बने कि भाई इस बार कौन हमारे मुख्य न्यायाधीश बने, जरूरी नहीं है कि ऐसा सवाल बने, है ना। सवाल ये भी तो बन सकता है ना, मुख्य न्यायाधीश का प्रोसीजर क्या है, या इस तरीके का जो मैंने आपसे अभी पूछा है, ऐसा सवाल भी तो बन सकता है ना। तो सवाल किसी भी तरीके से आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, चाहे वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे यूपीपीसीएस की, चाहे किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर रही हैं, सवाल आपसे इस तरीके से किसी भी उसमें पूछा जा सकता है। आई होप सबको यहाँ तक पूरा ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अब एक और मैं वीडियो यहाँ पर लेके आऊंगी 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को, जिसमें जो लास्ट का हमारा पूरा ये हफ्ता बचा हुआ है 7-8 दिन का, उसमें मैं पूरे बाकी के बचे हुए 22 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स को कवर अप कराऊंगी। आई होप सब लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा, कुछ क्वेश्चन भी करे हैं। और जो मेरी ये इस अक्टूबर मंथ की जो अगली वीडियो आएगी, लास्ट वीडियो अक्टूबर मंथ वाली, उसमें मैं और भी ज्यादा क्विज को लेकर के आऊंगी, सो दैट आप लोग और भी जो पूरे महीने भर के आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस लेके आऊं। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन भी, जिसमें आपके एमसीक्यू होंगे, प्लस मैं उनके साथ जुड़े हुए आपके जो हमारे उसके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि अभी ये जुडिशरी वाला कॉन्सेप्ट है, या और भी जो कॉन्सेप्ट है उनको भी मैं लेकर के साथ में जरूर आऊंगी, जिससे आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस और हो सके। सो आई होप सब लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी सेफ दिवाली। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।